हेलो गाइस, स्वागत आपका हमारे चैनल पर। गाइस हमारे चैनल पर आए, सबसे पहले गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करके बगल बेल आइकन उसको ऑल करो ताकि नोटिफिकेशन वीडियो सबसे पहले गाइस आपको मिले। तो आज मैं जो बात करूंगा आपको वेरा चेन के बारे में बात करूंगा, जो कि वेरा चेन टेस्टनेट के बारे में करूंगा, जो कि ऑल यूजर एयरड्रॉप ये कर सकते हैं। तो कैसे क्या करना सारा चीज़ बताऊँगा। यहाँ पर मैं बहुत दिनों के बाद वीडियो ला रहा हूँ, अब एक्टिव रहूँगा क्योंकि यहाँ पर मैं कुछ एग्जाम के कारण बिजी था। तो यहाँ पे देखो, बहुत दिनों के बाद वीडियो आ रहा है, तो इस वीडियो के बाद जो भी वीडियो आएगा उससे आप अच्छा लाइक एक दिखाना, ठीक है। तो यहाँ पे वेरा चेन के सपोर्ट पे मैं एक अपडेट वीडियो जो कि टेस्टनेट पे वीडियो लाऊंगा, जो कि यहाँ पे जो अभी आपको अपलोड हो जाएगा, ठीक है, कुछ टाइम पे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना, और ये डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक ज्वाइन करना, और टेलीग्राम चैनल में पाओ तो बहुत सारा लूट बॉग ऑफर अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलते रहता है। जो भी लूट आता है, जो भी अपडेट आता है, सबसे पहले टेलीग्राम चैनल पर मैं आपको दे देता हूँ। अभी देखो हाल में बहुत सारा पेमेंट एयरड्रॉप आ रहा है, जैसे एग्जाम्पल में देखो अभी आयोनेट का पेमेंट आया था, और यहाँ पर बहुत सारा पेमेंट आया था, वहाँ पर आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिला है, ठीक है। अब यहाँ पर एक मैंने लिस्ट भी बना दिया जो कि टेलीग्राम बॉट इनकम, जो कि आप जनरेट कर सकते हो नोटकॉइन की तरह। यहाँ पर टॉप 10 प्रोजेक्ट मैंने यहाँ पर डाल दिया है, आप इसको फोकस करो। और भी प्रोजेक्ट जैसे टाबी का समर फिनाले NFT आया था, तो यहाँ पे बहुत सारा वो लूट में डालते रहता हूँ, अपलोड करते रहता हूँ, ठीक है। तो इस लूट को मिस मत करो, अच्छा खासा लूट मैं दे रहा हूँ। चैनल ज्वाइन करके रखो, हर एक चीज़ का अपडेट मिलेगा, ठीक है। तो जो भी चीज़ें, जो भी अपडेट मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर देता हूँ। बॉन्डेक्स का भी पेमेंट आने वाला है, इथर मेल का भी पेमेंट आने वाला, तो ये सब चीज़ का आपको अपडेट आपको टेलीग्राम पर ही मिलेगा। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखा करो, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, कौन सा एयरड्रॉप के बारे में बात करूँगा। उसके बाद एक और छोटा सा चैनल भी है जो कि यहाँ पे एक्स्ट्रा चैनल है, यहाँ पर भी लूट आते रहता है। और चैट ग्रुप पे कोई चीज़ का रिलेटेड आपको प्रॉब्लम है, दिक्कत है, तो आप यहाँ पे मुझे डायरेक्ट DM करके बात कर सकते हो। कुछ भी सेल करना हो, बाय करना हो, तो आप हमें डायरेक्ट मतलब कि मैसेज कर सकते हो। अब यहाँ पे मेन चैनल पे जो भी लूट आएगा, जो भी लूट का लिंक आएगा, यहीं पोस्ट होता है, तो मेन चैनल को ज्वाइन करके जरूर से जरूर रखो, ठीक है। अब आइए चलते हैं, आज कौन सा जो एयरड्रॉप है उस पर मैं बात करना चाहता हूँ। उसके पहले मैं आपको अपडेट कर देना चाहता हूँ, जो कि मैं वेरा चेन के बारे में बात करना चाहता हूँ, जो कि यहाँ पे वेरा चेन ऑलरेडी बहुत ओल्ड लूट है, जो कि यहाँ पे मैंने आपको उस टाइम बहुत पहले आपको वेरा चेन का इनका NFT भी आपको मिंट करवाया था, और एक स्पेशल वीडियो भी बनाया था जो कि यहाँ पे वेरा चेन का ये टेस्टनेट वीडियो है। तो इसका अपडेटेड वर्जन जो कि आया, जो कि और भी फंडिंग रेज हुआ है, मैं आपको आगे बताऊंगा। और यहाँ पे टेस्टनेट जो कि सेकंड टेस्टनेट आया, जो कि यहाँ पे फंडिंग रेज किया गया, और यहाँ पे ओगा बोगा NFT मैंने क्लेम करवाया था, जो कि आपको इससे भी प्रॉफिट हुआ। और यहाँ पर रेड इन्वॉल्व की यहाँ पे NFT आया, तो वो भी मिंट करवाया था। हर एक चीज़ मैंने मिंट करवाया, मिंट NFT यूजर ने भी मिंट करवाया था बोरा का, बेरा चैन का, और यहाँ नेम्स भी मिंट करवाया था, और यहाँ पे आपको टोकन्स भी आपको बेरा करवाया था। इस बार जो बेरा वाला है वो अलग क्राइटेरिया है, ठीक है। तो इस बार मिस मत करें, प्रोजेक्ट अच्छा होने वाला है, सारे लोग के लिए कर सकते हैं, ऑल यूजर इसको कलेक्ट कर सकते हैं। और गैलेक्सी का पॉइंट भी करवाया था, जो कि यहाँ पे उस टाइम बेरा का NFT अभी फ्लोर आप देखोगे तो अच्छा खासा फ्लोर दिख रहा है। तो टेलीग्राम पे मैंने बहुत बड़ा अपडेट दिया है बेरा चेन के बारे में, तो आज मैं आपको टेस्टमेंट बताऊंगा जिसको इनका फंडिंग भी ज़्यादा रेंज हो चुका है। चलो जानते हैं यहाँ पे क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सारे यूजर के लिए सारे लोग कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे कैसे क्या करना है, मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। तो बेरा चेन का जो एड ऑफ है, ये आपको हाइप बनेगा जो कि आने वाला टाइम है, इनका 1 मिलियन फॉलोअर्स भी होगा, तो कन्फर्म समझो पेमेंट 100% देगा। अब यहाँ पर 10 जून को इन्होंने अनाउंसमेंट किया है कि बेरा चेन पब्लिक टेस्टनेट बाटियो, ये बाटियो वाला टेस्टनेट है, ठीक है, जो कि B2, इनको B2 नाम दिया गया है, और ये आपको समर विगिन है, जो कि यहाँ पर टेस्टनेट पब्लिक टेस्टनेट मतलब कि सारे लोग के लिए, तो ये 100% पेमेंट देगा, जो कि आपको इसको मिस मत करना। आप इसको अभी मिस करोगे तो फिर बोलोगे कि भैया मैंने मिस कर दिया, और यहाँ पे 100% पेमेंट देगा। सीजन टू ने तो 3 में पेमेंट इनका आ जाएगा, अभी सीजन 2 चल रहा है, तो मतलब कि क्वार्टर 3rd में पेमेंट आ जाएगा, तो इसको मिस मत करना, प्रोजेक्ट अच्छा है, ठीक है। तो इन्होंने ऑफिशियल अनाउंसमेंट यहाँ कर दिया है, तो इसको मिस नहीं करना। कैसे क्या करना सारा भी मैं लाइव करके आपको बताऊंगा, ठीक है, कैसे आपको करना है क्या नहीं करना। अब यहाँ पे कैसे करना सारा चीज़ मैं बताऊँ, तो वीडियो में बस बने रहो। यहाँ पे जो अपडेट है, जो कि यहाँ पे पहले मैंने आपको वीडियो बनाया था जो कि जनवरी में, तो वहाँ पे फंडिंग रेज हुआ था 42 मिलियन का, ठीक है। अब यहाँ पे 100 मिलियन ऐड हो गया, जो कि यहाँ पे मार्च 2024 को यहाँ पे 100 मिलियन ऐड हुआ है। अब यहाँ पर टोटल मिलियन जो है 142 मिलियन आ गया, जो कि यहाँ पे अच्छा खासा फंडिंग रेज किया गया है। तो इस प्रोजेक्ट को गलती से मिस मत करना, ये जो फंडिंग रेज किया गया था, ये मतलब कि अप्रैल में रेज किया जाएगा, जो कि 2023 में, समझो 1 साल पुराना प्रोजेक्ट
करोड़, 2023 में 42 मिलियन को फंड रेज किया गया था। अब यहाँ पे जो रेज हुआ 100 मिलियन का रेज हुआ जो कि मार्च 2024 में हुआ है, ठीक है, आपको मैं जूम करके दिखा देता हूँ अच्छे से। फिर उसके बाद यहाँ पर नीचे देखो, यहाँ पे 42 मिलियन फंडिंग रेज हुआ जो कि आपको अप्रैल में हुआ है, ठीक है। तो उस टाइम दो तीन इन्वेस्टर थे, पॉलीचेन कैपिटल, और यहाँ पे इस बार जो इन्वेस्टर अच्छे खासे बहुत सारे इन्वेस्टर इसमें आ चुके हैं। अब कोई भी एडो को यहाँ पे आप यहाँ पे मल्टीपल से करने का कोशिश करो। यहाँ पे और भी प्रोजेक्ट जो कि उसका फंडिंग भी अच्छा खासा गया है जो कि सिमिलर प्रोजेक्ट है, उसका करेंट प्राइस का वैल्यू क्या है जो कि 0.52 है, जो कि मासा लैब का 0.5, ऐसे ऐसे करके यहाँ पे प्राइस है, वो अलग चीज़ है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट जो प्रोजेक्ट है ये तो रहा इन्फो, ठीक है। अब काम कैसे करना ये मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत से ये मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे इतना सारा फंडिंग रेज हुआ है। अब यहाँ पे मैं बताता हूँ यहाँ पे फॉसेट लेना कैसे है। देखो फॉसेट यहाँ पे टेस्टनेट रहा, टेस्टनेट है तो फॉसेट तो आपको लेना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको तो फॉसेट लेना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको फॉसेट लेने के लिए यहाँ पे 0.01 ETH आपके वॉलेट में रहना चाहिए, जो कि यहाँ पे देखो मेरे मेटामास वॉलेट में 0.01 ETH मेरे पास आ चुका है, जो कि यहाँ पर आप कैसे ETH लेना ये मैं आपको लो फी में कैसे बताता हूँ कैसे क्या करना है। इसके लिए आपको लो फी में लेने के लिए मैं आपको साइड में देखो वीडियो एक चल रहा है जो कि यहाँ पे आपको लो फी में लेने के लिए मैं आपको बता देता हूँ कैसे क्या करना है। तो यहाँ पे बहुत लोग ये ट्रिक नहीं बताएंगे, मैंने ऑलरेडी स्पेशल वीडियो ये आपको यूट्यूब पर डाल चुका हूँ। तो यहाँ पे लो फी में ऑलरेडी मैंने आपको वीडियो डाल चुका है जो कि 2 महीने पुराना ट्रिक है, जो कि आप ETH $1 फी दे के आप निकाल सकते हो। तो ये लाइव मैं आपको करके फिर से बता देता हूँ कैसे आपको विड्रॉल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे विड्रॉल करने के लिए आपको मैं बता देता हूँ, जैसे यहाँ पे अब इसको विड्रॉ कैसे करना है। जैसे देखो मैं $38 का विड्रॉ किया, तो कैसे विड्रॉ किया ये मैं आपको बताता हूँ, जो कि साइड में एक वीडियो चल रहा है उसको आप देखो। यहाँ पे जैसे निकल रहा है सी वाले डाउनलोड कर लेना, नहीं समझ में आ रहा है वो वीडियो देख लेना, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले TRX मंगा लो, TRX मंगाने के बाद यहाँ पे मंगा लोगे, उसके बाद यहाँ पे स्वैप कर लो ETH में, ETH पेयर में मैक्स करके TRX को स्वैप कर लो ETH में, 0.1 ETH आपको स्वैप कर लेना, जो कि यहाँ पे पासवर्ड डाल लेना और यहाँ पे वो वीडियो जरूर देख लेना, तब आपको समझ में आएगा। जैसे स्वैप कर लो, स्वैप करने के बाद आपका ट्रांजेक्शन हो जाएगा, फिर रिसीव में जाना और यहाँ पे सॉरी सेंड में जाना और यहाँ पे ऊपर में USDT को हटाकर यहाँ पे आपको ETH सेलेक्ट करना है और यहाँ पे विड्रॉ कर देना है, जो कि बहुत कम फी लगेगा आपको ERC ETH निकालने में, ठीक है। 0.000 निकलेगा। तो जैसे ये विड्रॉ कर लोगे तो फिर आपको या वॉलेट में यहाँ पे आ जाएगा $38 का फंड। मैंने कितना निकाला, 39.87 का निकाला, तो यहाँ पे 38.54 मतलब कि बैलेंस आ चुका है, मतलब कि $1.5 का फी कटेगा या $1 का फी कटेगा, पर आपको वॉलेट में होल्ड रखना। अब आप बोलोगे कि भैया आपने बोला है कि ये टेस्टनेट का लूट है और फ्री में करना है, पर यहाँ पर कुछ कंडीशन लगा दिया इन्होंने, कंडीशन ये लगा दिया है कि जो भी अपने ETH वॉलेट में 0.01 ETH रखेंगे मेननेट वॉलेट में तभी वो फॉसिट क्लेम कर सकते, ठीक है। तो ये कंडीशन मुझे सही लगा, इसलिए सही लगा कि ज़्यादा यहाँ पर रश नहीं होगा, ठीक है। जहाँ लोग दो दो तीन तीन लाख लोग लूटते हैं एयरड्रॉप, वहाँ आपको यहाँ पे रश कम दिखेगा, जो कि यहाँ पे 1 लाख लोग एयरड्रॉप करेंगे। तो ये तरीका मुझे सही लगा। अब यहाँ पे आपको अपने वॉलेट में बस ETH रखना है, जैसे फॉसेट ले लोगे इसको निकाल कर फेंक दो, मतलब अपने वॉलेट में ले लो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जैसे डालोगे पुट किया, अब टोकन लोगे, यहाँ पे आपको बस वॉलेट ETH होल्ड रखना है। जैसे फॉसेट ले लोगे टोकन निकाल लो, ठीक है, अपने वो एक्सचेंज में। अब यहाँ पे ड्रिप टोकन पर टैप करना और यहाँ पे ऐसे भी गैस फी लो या कहीं भी विड्रॉ करके कहीं भी कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे मैं विड्रॉ करता हूँ, मतलब कि फॉसेट लेता हूँ ड्रिप टोकन, ये मुझे फॉसेट मुझे मिल जाएगा। और देखो अगर ये फ्री रहता तो पहला बात कि फॉसेट मिलता ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे फॉसेट मुझे मिल गया। अब यहाँ पे इनका नेटवर्क, पहले फॉसेट ले एड्रेस डाल के ले लेना, अब नेटवर्क कैसे ऐड करना आपको आगे टास्क करूँगा, ऑटोमेटिक वो ऐड होते जाएगा, ठीक है। तो मैं देखता हूँ पहले यहाँ पे मुझे मिला कि नहीं मिला। तो यहाँ पे इनका जो बेरा चैन का जो है बाटियो है, RTO नहीं, इस बार बाटियो है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक बेरा मिल गया, इसी एक बेरा से आपको काम करना है। तो फॉसेट लेने के लिए फॉसेट मिल गया, अब आप ETH आप विड्रॉ कर लो अपने एक्सचेंज में, तो पैसा तो बच गया ना। अब यहाँ पे अब वो लोग सेंड रिसीव करने में जो पैसा लगा, अरे इतना तो करो ना यार, एयर ड्रॉप में इतना नहीं करोगे तो क्या करोगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आप स्वैप करना है, कैसे स्वैप करना है आपको, थोड़ा थोड़ा अमाउंट का स्वैपिंग करना है। अब जैसे यहाँ पे वॉलेट कनेक्ट करोगे तो आपका नेटवर्क आ जाएगा कनेक्ट करने को, यहाँ ऊपर मेरा रहेगा नीचे हनी रहेगा, जरूर हनी में आपको 0.001 करके आपको यहाँ पे एक छोटा सा स्वैपिंग करना है। आप देखो अमाउंट मैटर नहीं करता है कि आप कितना डाल रहे हो, मैटर ये करता है कि ट्रांजेक्शन कितना कर रहे हो, ठीक है। तो डेली के डेली आपको यहाँ पे दो तीन ट्रांजेक्शन करना ही करना है,
ठीक है। तो आपको यहाँ पर डेली के डेली ट्रांजेक्शन करो, आपको मैंने बोल दिया अमाउंट मैटर नहीं करता, आपको ट्रांजेक्शन मैटर करता है, देखो कितना कम फी कट रहा है। तो आप सुबह उठो, 10 ट्रांजेक्शन करो, बस इसमें ये ट्रांजेक्शन हो गया, ये ट्रांजेक्शन मैटर करता है कितना आपने ट्रांजेक्शन किया। फिर जैसे कर दो, फिर उल्टा हनी में कर लो, फिर उल्टा बेरा में कर लो, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे हमने बेरा और हनी में कर लिया, आप और भी टोकन में एक्सचेंज कर सकते हो। अब आपको क्या करना, पूल्स में आना है। पूल्स में आने के बाद जैसे यहाँ पूल्स में आ जाओ, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे ऑलरेडी देखेगा बेरा और हनी देखेगा, जो कि यहाँ पे आपको सर्च करना पड़ेगा, जो कि देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं फाइंड कर लेता हूँ कहाँ गया कहाँ गया। तो यहाँ पे आपको खुद देखना पड़ेगा, और नहीं भी मिले तो आपको यहाँ पे सर्च कर लेना है, जो कि यहाँ पे बेरा और हनी का, ठीक है। मैं सर्च कर लेता हूँ पहले। तो यहाँ पे देखो, अगर आपको नहीं मिले भी मिलेगा हनी बेरा, तो आपको यहाँ पे हनी से आपको इसमें स्वैप करना होगा, हनी से आपको इसमें करना होगा, मतलब एस USDT जो कि यहाँ पे आपको पूल्स में जो दिख रहा है, वो जो फर्स्ट पे दिख रहा है उसमें आपको स्वैप करना है। जैसे पूल्स में दिख रहा है कि हनी USDC दिख रहा है, ठीक है। मैं हनी USDT को स्वैप करता हूँ, जो कि यहाँ पे हनी को USDC में स्वैप करता हूँ। जैसे कि यहाँ पे USDC कहाँ पे गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे SGUSD से दिख रहा है, तो यहाँ पे आपको इसमें स्वैप करना है। जैसे 0.04 आपको दिख रहा है, ठीक है। तो इसको आपको इसमें स्वैप करना है, और यहाँ पे अप्रूव कर देना है। जैसे अप्रूव हनी किया, फिर उसके बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे स्वैप कर देना होगा। यहाँ पे जैसे मैंने इसमें कर दिया, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे कर दिया, अब आपको पूल्स में आना है, ठीक है। अब दोनों बराबर अमाउंट हो जाएगा, उसके बाद पूल्स में आना। पूल्स में आने के बाद यहाँ पे फर्स्ट वाला जो दिख रहा है ऐड पे, इस पे टैप करना, और यहाँ पे आपको ऐड लिक्विडिटी पे टैप करना, ठीक है। फिर यहाँ पर दोनों आपको दिख जाएगा, यहाँ पर आपको, तो यहाँ पर आपको 0.01 डालना, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जितना दिख रहा है मैक्स दिख रहा है, इसको मैक्स करना, और यहाँ पे जो भी आपको प्रीव्यू में आएगा इसको प्रीव्यू करके आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। यहाँ भी ऐड अप्रूव करना, ताकि आपका लिक्विडिटी ऐड हो जाए इस आपको इस ट्रांजेक्शन में, ठीक है। तो आप और भी नेटवर्क में कर सकते हो, पर मैं आपको एक से जल्दी में करने का मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो अप्रूव करना, अप्रूव करने के बाद ये अप्रूव हो जाएगा, और यहाँ पे अप्रूव इन्फिनिटी पर टैप कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे वेट करो, तो जैसे आप अप्रूव कर लोगे, अप्रूव होगा ये भी, और सेकंड वाला भी आपको अप्रूव कर देना है, ठीक है। आपका LP ऐड हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना, पहले ये हो जाने दो, नेक्स्ट करो, कनेक्ट करो, अप्रूव करो, ये भी अप्रूव होगा, ये भी ट्रांजेक्शन आपका कंप्लीट हो गया। तो आपको डेली करना है तो डेली करो, वीकली करना है तो वीकली करो, ये आपके ऊपर है। अब ऐड लिक्विडिटी पर टैप कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर लिक्विडिटी मैंने ऐड कर दिया, और यहाँ पर सक्सेसफुली लिक्विडिटी मैंने यहाँ पर कंटिन्यू करके कन्फर्म करके ऐड कर दिया। अब आपको काम क्या करना है, अब यहाँ पर देखो, हर 8 घंटा पे आप फॉसेट ले सकते हो, फॉसेट का कोई दिक्कत नहीं है। हर 8 घंटा पे फंड होल्ड रखो और फॉसेट लेते जाओ, ठीक है। यहाँ पे अभी ट्रांजेक्शन पेंडिंग है, सक्सेस हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या काम करना आगे, ये अपने लिक्विडिटी ऐड कर लिया। तो फिर जैसे ये हो जाएगा, उसके बाद आपको एक और जो कि मतलब वेबसाइट का लिंक देंगे, जो कि यहीं पे होगा, जो कि स्टेशन करके होगा, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, जो कि यहाँ पे आपको स्टेशन करके होगा, इसका लिंक देंगे। आपको यहाँ पे वोट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप वोट करने के लिए आपको यहाँ पे वॉलेट को कनेक्ट करना, मेटामास वॉलेट को कनेक्ट कर लेना, और जैसे वॉलेट को कनेक्ट कर लोगे तो आपका नेटवर्क कनेक्ट हो जाएगा, और कनेक्ट कर लेना, ठीक है। और ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से हाई प्रोजेक्ट है, कोई आपको डिटेल में इतना बताएगा नहीं। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर VD होनी है, हनी है, ठीक है। VD हनी पर आपको टैप करना है, और VD हनी पर टैप करने के लिए आपको कम से कम मिनिमम आपको 1 हनी रहना चाहिए आपके वॉलेट में, ठीक है। तो यहाँ पर पहले सिलेक्ट टोकन करना, हनी करना, फिर यहाँ पर हनी आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, आपको दिख रहा है यहाँ पर अमाउंट भी दिख रहा है, और यहाँ पर अमाउंट दिख रहा है। तो यहाँ पर 1 हनी डालना, ठीक है। और मेरा अमाउंट मिनिमम नहीं दिखा रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे और भी बेरा से आपको हनी में स्वैप करना है। देखो यहाँ पे मेरे 0.5 बेरा डालता हूँ, और हनी में स्वैप करते हैं, तो मुझे 21 हनी मिलेगा, ताकि हनी में और भी मुझे हनी अभी आगे फ्यूचर में और भी काम आएगा, इसलिए स्वैप करके ज़्यादा रखो, ठीक है। अगर स्वैपिंग में प्रॉब्लम है तो आप गैस भी बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, आपके ऊपर है। अभी देखो मक्खन की तरह चल रहा है, मैं 3 बजे 6 बजे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कन्फर्म कर देता हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पर स्टेशन पर आ जाना, जब तक ये कन्फर्म हो जाए पेंडिंग। तो जितना ज़्यादा ट्रांजेक्शन रखोगे उतना ज़्यादा एयरड्रॉप में एलिजिबल होने का क्राइटेरिया आपका बढ़ जाएगा। यहाँ पे इरर आ गया, आप दोबारा आप इसको प्रीव्यू करके और यहाँ पे स्वैप करो, और ये देखो इरर आ रहा है ना, यहाँ पे आपको काम करके यहाँ पे देखो कैसे करना है। यहाँ पे 0.1 है, तो यहाँ पे आपको बेरा है, जो कि यहाँ पे मैं कम कर देता हूँ, ताकि यहाँ पे आपको ट्रांजेक्शन करने में कोई दिक्कत ना आए। तो यहाँ पे प्रीव्यू करो, फिर आपको यहाँ पे स्वैप करो, और यहाँ पर ट्रांजेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली हो गया। अब यहाँ पे आपको आना है स्टेशन वाले पे,
तो जैसे स्टेशन वाले पे आओ तो अब आपका अमाउंट यहाँ दिखने लगा, जो कि हनी आपका 8 टोकन दिख रहा है। अब आपको क्या करना है, एक हनी मिनिमम कम से कम 1.1 आपको ऊपर में डालना है और यहाँ पर आपको अप्रूव करना है, तब आपको इंसेंटिवाइज करना है, तभी आपका टोकन वॉलेट में जाकर अप्रूव होगा। ये याद रखना, जो कि मतलब कि सही है, जो कि आपको करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी कंफर्म हो, ट्रांजैक्शन पेंडिंग मतलब जाएगा, फिर अप्रूव हो जाएगा। तो ये याद रखना, जो कि अगर आप ऊपर डालोगे उसके बाद अप्रूव होने के बाद नीचे भी आपको 1 टोकन डालना है, जैसे मैंने आपको करके बताया। बस वीडियो अच्छे से देखो, आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या करना है, आपको डेलीगेट में आना है। डेलीगेट में आने के बाद यहाँ पे वैलिडेटर पर सिलेक्ट करना है, और बहुत सारा वैलिडेटर होगा, आपको जो भी अच्छा वैलिडेटर लगे देखने में आप उस वैलिडेटर में आपको सिलेक्ट करना है। जैसे इसको मैंने सिलेक्ट किया, इसको मैंने सेलेक्ट किया ऊपर वाला को, और यहाँ पे आपको अमाउंट डालना है, 0.01 डाल के आपको यहाँ पे कर देना है। अभी मेरा जो टोकन है डेलीगेटर वो अभी आया नहीं है, इसको क्विस्ट करके बूस्ट कर देना, ताकि आप एक का आप वोट कर लियो, ठीक है। यहाँ पे देखो, जब आप डेलीगेट करने जा रहे हो तो यहाँ पे आपको बोल रहा है कि आपको यहाँ पे BGT टोकन होना चाहिए। BGT टोकन कहाँ से आएगा, इसके लिए आपको यहाँ पे एक तरह का जेम्स आपको अर्न करना है, फ्री का। अब गेम्स कैसे अर्न करेंगे, उसके लिए आपको लिक्विडिटी स्वैप करके पूल करना पड़ेगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्वैपिंग में आ जाना, और यहाँ पे आपको बेरा टोकन जैसे आपके पास पड़ा हुआ है, इसमें आपको कोई टोकन दिख रहा होगा रैप बेरा, जो कि यहाँ पे मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कहाँ पे गया, पे आपको दिख रहा हो, जो कि मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ यहाँ पे देखो, हनी से जो डब्लू बेरा, यहाँ पे API 118 मिल रहा है, मतलब API आपको 118 मिल रहा है। आपको पूल्स में फिर से आ जाना होगा, और पूल्स में आने के बाद यहाँ पे स्वैप में आ जाना होगा, और स्वैप में आने के बाद आपको यहाँ पे जो आपने स्वैपिंग की हनी से, आपको यहाँ पे हनी से आपको इसमें स्वैपिंग करना है वेरा में, ठीक है। तब का ऑलरेडी पहले से होगा हनी में और वेरा में, तो यहाँ पे जो भी काम करना आप हनी में काम करना, हनी से डब्लू बेरा में, तब पूल्स में आ जाना। पूल्स में आने के बाद आपको यहाँ पे जो कि इतने नंबर पर है, जो कि आपको हनी से डब्लू बेरा दिख रहा है, जो कि 118% API मिल रहा है। अब यहाँ पर जो भी अमाउंट आपको दिख रहा है मैक्स करना, और यहाँ पे आपको कुछ कम टोकन डाल देना, जो कि 3 डालना, और प्रीव्यू करना, फिर अप्रूव करना, और जैसे अप्रूव करोगे तो यहाँ पे मैक्स कर नेक्स्ट करना और अप्रूव कर देना, ठीक है। थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन होगा, फिर भी आप वीडियो बैक करके देख सकते हो। मैं देखो वीडियो बना रहा हूँ तो सब समझ के बना रहा हूँ, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, मुझसे गलती हो सकता था, आप बैक करके देखना, पर मेरा जो जानकारी है गलती नहीं हो सकती, मैं सही जानकारी आपको दे रहा हूँ, कन्फर्म कर लेना। और यहाँ पर ट्रांजेक्शन अप्रूव होगा, और यहाँ पर आपको पेंडिंग होगा। जब याद रखो, जब BGT टोकन अर्न करना है तो आपको लिक्विड स्वैप करके लिक्विडिटी ऐड करना पड़ेगा, APR से आपका अर्निंग होगा BGT। अब मैंने कर लिया, अब यहाँ पर पूल भी ऐड हो गया, ठीक है, पूल हो गया, व्यू डिटेल पूल में आना, और यहाँ पर देखो आपका डिपॉजिट भी हो गया अमाउंट, ठीक है। अब आपको खुद वेट करना होगा, जो कि यहाँ पर आपको जो भी अर्निंग होगा वो BGT में आपका होगा, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि यू एडिंग लिक्विडिटी डिपॉजिट रिसीव टोकन स्टार्टिंग अर्निंग BGT रिवॉर्ड, समझ गए। तो ये मैंने आपको बता दिया कैसे करना। अब रहा बात विड्रॉ करना, मैं आगे बता दूंगा विड्रॉ कैसे करना है, पर आपको जो पूल्स में जो अर्निंग होगा यहाँ पे आपको शो करेगा, जो कि यहाँ पे माई पूल्स बैलेंस दिख रहा है 0.85, और यहाँ पे हनी वेरा जो भी अर्निंग हो रहा है, ठीक है। उसके बाद इससे जो अर्निंग होगा, जो कि BGT अर्निंग टोकन होगा, यही टोकन आपका यहाँ पर बनेगा, और वही टोकन से आप डेलीगेट कर सकोगे यहाँ पर स्टेशन में, समझ गए। जो आपका यहाँ पर पूल्स में जो अर्निंग होगा वो डेलीगेट आपको यहाँ पर शो करेगा, और इसी से जो BGT टोकन अर्न होगा उसी से आपको डेलीगेट करना है। इतने यहाँ तक आपने समझ गया, अब आगे बताते हैं। तो यहाँ पे आपको और भी ज़्यादा ऐड करना है तो आप ऐड वाले सेक्शन पे आ जाना, और यहाँ पे आप हनी से वेरा में भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको BGT अर्न करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तभी तो आप डेलीगेट कर पाओगे। तो मैं एक बार और ट्राई करता हूँ, जो कि यहाँ पर 3 टोकन डालता हूँ, और यहाँ पर प्रिव्यू करता हूँ, और यहाँ पर अप्रूव हनी करता हूँ, अब ये अप्रूव हो जाएगा। और यहाँ पे आप हनी से बेरा में भी कर सकते हो, और बेरा से हनी में भी कर सकते हो, और डब्लू बेरा में भी कर सकते हो। मैं तीनों चीज़ अप्लाई कर लिए, ताकि आपको जब एयरड्रॉप मिले तो उस टाइम कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे ऐड लिक्विडिटी पर टाइप कर लिए, फिर से कंफर्मेशन आ जाएगा, और ये कन्फर्म कर देना। तो मैं आपको कैसे कैसे बताया, बेरा से डब्लू बेरा में बताया, फिर बेरा से हनी में बताया, और यहाँ पर लिक्विडिटी मैंने दोनों पेयर में डाल दिया, ताकि आपको फ्यूचर में कोई चीज़ का दिक्कत ना हो। देखो मैंने ऐड कर दिया, हर चीज़ में बैक करते हैं, और यहाँ पर दोनों चीज़ में ऐड हो गया, यहाँ पर अमाउंट मेरा और बढ़ गया, $6.8 हो गया। अब जब भी अर्निंग होगा यहाँ पर स्टेशन में, मतलब कि BGT टोकन डेलीगेट करके, और यहाँ पर वैलिडेटर ऐड करके आपको वहाँ पर क्वेस्ट करके बूस्ट कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो एक और काम करना है, इसमें BGT को अर्निंग कैसे, मैं आपको
एक्टिव करना है। तो एक्टिव करने के लिए जब आप डिपोज पुल्स एक्टिव कर लोगे, जब पुल्स डाल लोगे उसको डिपोजिट पर टैप करोगे, जैसे डिपोजिट पर टैप करो तो यहाँ पे पहुँच जाओगे। उसके बाद यहाँ पे टोकन आपको मैक्स करना हो, जैसे मैक्स करोगे तो यहाँ पे अप्रूव हनीवेरा LP करना, जैसे अप्रूव हनीवेरा LP करोगे तभी आपका BGT टोकन अर्निंग स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आपको यहाँ पे अब नेक्स्ट करना, कनेक्ट करना, अप्रूव करना। जैसे नेक्स्ट कनेक्ट करके अप्रूव कर लो तो यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन आएगा डिपॉजिट करने का, तो इसको भी कंफर्मेशन कंफर्म कर देना। और जैसे इसको कंफर्म कर दो तो यहाँ पे आपको कंफर्म जैसे करोगे कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जैसे कंफर्म हो जाए तो आपका यहाँ पे LP आपने डिपॉजिट किया, उसके बाद आपको यहाँ पे इसको डिपॉजिट करना है BGT अर्न करने के लिए। अब यहाँ पे आपका BGT अर्निंग स्टार्ट हो गया, जो कि 0.101 आपको शो करने लगा। ठीक है, जैसे शो करेगा उसके बाद आपको डेलीगेट में आना है और पेज को रिफ्रेश करना है। जैसे पेज को रिफ्रेश करोगे, यहाँ पर वॉलेट कनेक्ट करोगे तो यहाँ पर कुछ देर में आपको अमाउंट दिखने लगेगा, पर अभी वेट करना, अभी अमाउंट आपको ऐड होना टाइम लगेगा। तो जैसे 1-2 घंटे में आपका यहाँ पे शो करने लगेगा, तो यहाँ पे इसको तो यहाँ पे जैसे देखो तो टोकन आपका दिखने लगेगा, पर यहाँ पे 1-2 घंटे बाद आपको क्लेम करना है वो BGT टोकन, तब आप क्लेम करके यहाँ पे डेलीगेट कर देना। ठीक है, कुछ भी नहीं समझ में आया डायरेक्ट मुझे DM करो, मैं बता दूंगा। अब इसमें एक और आगे टास्क है, टास्क कौन सा है, यहाँ पे आपको यहाँ पे स्विच टू हनी करके हो। ठीक है, स्विच टू जो हनी है इसको आप देखोगे थोड़ा सा, तो इसमें क्या करना है ये मैं बता देता हूँ आपको। जैसे कि यहाँ पे आपको मैं मिंट करना है, मिंट करके रिडीम करना है, तो यहाँ पे वॉलेट पहले कनेक्ट करो, और जैसे मेटामास्क के वॉलेट से कनेक्ट कर लोगे तो कनेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखो कनेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट और कनेक्ट करो और कंफर्म करो। मैं जानता हूँ थोड़ा सा वीडियो ये लंबा होगा, फिर भी आपको काम करना है, क्योंकि यहाँ पे पेमेंट जरूर मिलेगा। यहाँ पे 0.002 डाल देना, और यहाँ पे आपको अप्रूव करना, और यहाँ पे हनी में आपका अप्रूव हो जाएगा। ठीक है, और जैसे ही अप्रूव हो जाएगा उसके बाद आपको थोड़ा सा अमाउंट आपको रिडीम कर लेना हो। अभी एक बार ट्रांजेक्शन करके छोड़ मत देना, रेगुलर वीकली में 2-3-4 दिन पे आपको करना होगा, फिर मिंट करना। जैसे मिंट करोगे कंफर्मेशन आएगा, यहाँ पे कंफर्म कर लेना इसको। तो जैसे कंफर्म करोगे ये भी स्वैप हो गया। ठीक है, कंफर्म हो जाएगा ट्रांजेक्शन, और कंफर्म होने के बाद ये हो गया। उसके बाद रिडीम पे आना, जो आपने किया है इसको आपको अमाउंट रिडीम कर लेना हो। ठीक है, मैंने इसको रिडीम कर लेता हूँ, पहले मिंट करना है फिर रिडीम करना है। तो ये छोटा सा टास्क है जो कि आपको मैं करके बता देता हूँ। अब देखो जो भी स्टेप है, स्टेप मैंने बताई आपको क्लियर वे में बता रहा हूँ, जो कि आपको कोई फ्यूचर में दिक्कत ना हो, फिर आपको रिडीम कर लेना होगा। ये 100% पेमेंट देगा, इसको मिस मत करना। अब यहाँ पे आपको इसको कंफर्म करना होगा, जैसे ये कंफर्म करोगे ये आपका टास्क एक कंप्लीट हो चुका है, जो कि मिंट एंड रिडीम का था। तो जैसे कर लोगे, अब इसमें क्या करना है देखो, तो इसमें आपको करना है यहाँ पे वॉलेट को कनेक्ट करना है। जैसे इस वॉलेट को कनेक्ट कर लोग, इस ये दूसरा टास्क है, तो यहाँ पे आपको इसको वॉलेट को कनेक्ट कर लेना, मेटामास्क वॉलेट को कनेक्ट कर लेना, और सारा चीज़ खेल आपको फॉसेट का है। मैं जैसे वीडियो बना रहा आप मेरे साथ काम करोगे तो आपको यहाँ पर आपका ईजी वे में सारा काम हो जाएगा। फिर यहाँ पर वेरा हनी पे टाइप करना, बोरो हनी पे, और यहाँ पर जो भी अमाउंट है, तो यहाँ पर देखो यहाँ पर सप्लाई भी है और यहाँ पर भी है, तो आपको मैं किसी पर भी टाइप करना, जैसे सप्लाई पर टाइप करना, और यहाँ पर आपको अमाउंट डालना। जैसे यहाँ पर 0.1 है तो यहाँ पे मैक्स करते हैं, देखते हैं कितना है, तो यहाँ पे मैक्स करना, और यहाँ पे इन्फिनिटी पे टैप कर लेना। तो यहाँ पे मिनिमम कम से कम 1 कर ही लेना। ठीक है, तो जैसे देखो यहाँ पे टैप करके मैं अप्रूव कर लेता हूँ, और यहाँ पे आपको कुछ कम अमाउंट डालना है। यहाँ पे मैं 6 डालता हूँ, ताकि मुझे आगे फ्यूचर में भी तो इसमें काम है हनी पे। तो यहाँ पे स्वैप कर लेते हैं जैसे, तो यहाँ पे नेक्स्ट करना, स्वैप कर लेना, और स्वैप करने पर अप्रूव कर लेना। तो यहाँ पे जैसे अप्रूव कर लोगे, स्वैप कर लोगे पूरा, फिर यहाँ पे सप्लाई कर देना। जैसे सप्लाई कर दोगे तो यहाँ पे सप्लाई पे टैप करके मैक्स कर देना। तो ये वीडियो लंबा हो रहा है, 30 मिनट का, कोई बात नहीं, पर यहाँ पे वीडियो अच्छा तरीके से मैं समझा रहा, ताकि आप कर लोगे ईजी वे में। तो यहाँ पे बोरो भी हो जाएगा, तो ये जैसे हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर कट करना। अब यहाँ पर जैसे सप्लाई कर लो, आप इसको बाद में विड्रॉ कर लेना। ठीक है, API 0.1 मिल रहा है, तो आपको कुछ बढ़ेगा तो आप इसको बाद में विड्रॉ करना। अब यहाँ पे एक और चीज़ दिख रहा है कि WBTC आपको अवेलेबल डिपॉजिट करना है, ये कैसे करोगे, इसमें भी सेम काम वही करना, आपको वापस आ जाना, कोई भी चेन में आपको करना हो टोकन में स्वैप, तो आपको यहाँ पर आकर यहाँ पर स्वैप करना है। देखो किस में स्वैप करना है, यहाँ पर आपको इसमें आ जाओ, तो वीरा है, वीरा में जैसे ये कौन सा टोकन मांग रहा है, ये आपको मांग रहा है ये WBTC मांग रहा था, WBTC मांग रहा था, इसको आपको किस में स्वैप करना होगा मैं आपको देख लेता हूँ। देखो यहाँ पे तो WBTC यहाँ पे आ गया, तब यहाँ पे वेरा से आपको कुछ अमाउंट का आपको 0.1 आपको इसमें WBTC में आपको प्रीव्यू करके कर देना होगा। जैसे मैं आपसे स्वैप करता हूँ, और ये स्वैप कुछ भी टोकन को डिपॉजिट करना है तो आप स्वैप डायरेक्ट वेरा से स्वैप कर लेना। ठीक है, तो जैसे मैं स्वैप कर लेता हूँ पहले, ये
कोई भी क्रेडिट रिलीज छोड़ो मत, ठीक है। तो यहाँ पे फ्री कर तो काम है, करना क्या। अब यहाँ पे जैसे स्वैप हो जाएगा फिर वापस आ जाओ यहाँ पे, कहाँ गया। तो यहाँ पे जैसे आ जाओगे, हाँ देखो यहाँ पे आ जाओगे, डिपॉजिट का ऑप्शन खुद दिखने लगा। उसके बाद आपको अप्रूव करना है, जो भी मैक्स है मैक्स करना, और यहाँ पे अप्रूव BTC पे टैप करके मेटामास्क पर कंफर्मेशन आएगा, इसको कंफर्म कर देना, ठीक है। तो उसके बाद भी ऐसे ETH क्या है, ETH के मैं बताऊंगा नहीं, मैं BTC को बता देता, आप ETH का खुद कर लोगे। नेक्स्ट करना, कंफर्म करना या अप्रूव कर देना, आपका अप्रूव हो जाएगा। फिर एक और कंफर्मेशन आएगा मेटामास्क में, इसको भी कंफर्म कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर डिपॉजिट कर देना, कोई भी क्रेडिट मत छोड़ो, ठीक है। तो फिर आपका ये भी ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा ट्रांजेक्शन, जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा, ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर जैसे ये कर लोगे तो आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप बाद में आप विड्रॉ कर लेना दोनों को, हनी का भी विड्रॉ कर लेना और यहाँ पे WBTC भी विड्रॉ करना। दूसरा टास्क में आ जाना, जैसे दूसरा टास्क में आ जाओगे तो यहाँ पे क्या करना है, इसको भी वॉलेट कनेक्ट करो, वॉलेट कनेक्ट करो, मेटामास्क कनेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपको अप्रूव करना होगा, ठीक है। तो यहाँ भी नेक्स्ट करो, तो यहाँ पर नेक्स्ट करके कन्फर्म करो। जैसे ये कन्फर्म हो जाएगा, कन्फर्म होने के बाद आपको यहाँ काम करना है, नीचे आना, नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे मतलब कि कहाँ गया। तो अब देखो यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे आपको इसमें आ जाना, वॉलेट कनेक्ट कर लेना, अब मार्केट में आ जाना। यहाँ पे आपको लॉन्ग शॉर्ट करना है, तो यहाँ मार्केट पर टैप करो या होल्ड पर टैप करो, कहीं भी टैप करो। तो यहाँ पे देख लेते हैं मैं कहाँ पे गया हूँ, हाँ आ गया, ठीक है। जैसे यहाँ पे आ जाओगे तो यहाँ पे ब्रिप चुअल करके होगा, इस पर आ जाना। और हनी से आपको यहाँ पे कम से कम मिनिमम 0.1 टोकन को, मैं 2 डाल दिया, मैं 1 टोकन को डाल कर यहाँ पे 100% ले लें, 80% लीवरेज लेकर यहाँ पे आपको अप्रूव कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे 0.1 कर दोगे तो यहाँ पे मैंने कर दिया, और यहाँ पे 10x 50x जो भी आपको लेना है, क्योंकि टेस्ट में कोई दिक्कत की बात नहीं, आप यहाँ पर ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे लिमिट ले लो या शॉर्ट ले लो, ये आपके ऊपर है क्या करना है, और यहाँ पर अप्रूव कर दो, ठीक है। तो यहाँ बोल रहा है कि सेट करने के लिए मैं लिमिट सेट कर देता हूँ दोनों में, ठीक है। जैसे सेट कर दो, 100% कर देता हूँ इसको, और यहाँ पे 0.1 हो गया, और यहाँ पे भी 0.1 कर देते हैं। और प्राइस प्राइस सेट कर दो, जो भी आपको प्राइस सेट करना है ये आप सेट कर सकते हो, यहाँ सेट करके अप्रूव कर देना, ठीक है। तो यहाँ मार्केट पर करो सबसे अच्छा है, जो कि मार्केट पर आप यहाँ पे करोगे। तो अब यहाँ पे देखो, तो मार्केट में देखो तो यहाँ पे 0.1 कर लिया, मार्केट कर दिया, लॉन्ग कर दिया, और यहाँ पे अमाउंट में डाल दिया, और यहाँ पे आपको अप्रूव हनी पे टैप करके, और यहाँ पे आपको एक आपको ट्रेड ले लेना होगा, जो कि यहाँ पे आप ट्रेड ले लोगे, ठीक है। तो ये जो क्राइटेरिया मैंने अभी तक बताया, सारा आपको क्राइटेरिया फॉलो करना है ताकि आप एलिजिबल हो एयर ड्रॉप में, जो कि यहाँ पे मैंने बता दिया। अब इसी चीज़ को आप हमेशा मतलब कि फॉलो करते चलोगे तभी आप एयर ड्रॉप में एलिजिबल होगे, ठीक है। जो कि आपको हर वीक हर दिन आपको ट्रांजेक्शन करना, जो भी है मैंने शुरू से स्टार्टिंग में बताया, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी आपका हो जाएगा, और यहाँ पर लॉन्ग शॉर्ट आपका लग जाएगा, इससे कोई मतलब नहीं है, आप इसको बाद में क्लोज भी कर देना 1 घंटा बाद, और यहाँ पर कम से कम चलने दो इसको, ठीक है। तो जो भी मैंने क्राइटेरिया बताया अभी तक, वो आपको क्राइटेरिया फॉलो करना है, ठीक है। यहाँ पे देखो, आप देखो यहाँ पे मेरा लग गया, इसको बाद में क्लोज कर देना, जो भी बढ़ रहा घटेगा ये आपके ऊपर है। मैंने लॉन्ग 100x ले लिया। अब देखो यही सारा क्राइटेरिया था कि आपको काम करना था। अब कौन कौन सा क्राइटेरिया लेना है, ये स्टार्टिंग बताता हूँ, सुन लो। फॉसिट लेना है बैरिचेन का, जो कि यहाँ पे आपको 0.01 ETH रखना है, जो कि आपके वॉलेट में रखना है, बाद में विड्रॉ कर लेना। फॉसेट लेने के बाद हर 8 घंटे पे फॉसेट आपको मिलेगा। फिर यहाँ पे आना है, पूल्स में आना है, यहाँ पे आपको स्वैप करके लिक्विडिटी और यहाँ पे पूल्स में ऐड कर देना है। उसके बाद यहाँ पे गोज में आना है, और यहाँ पे आपको हनी को कर देना, फिर स्वैप में आ जाना, और यहाँ पे आपको स्वैपिंग करने के बाद आपको यहाँ पे बेरा से WBTC कर लेना, फिर डेलीगेट कर लेना। डेलीगेट के लिए BGT के लिए मैंने बताया स्पेशली कैसे करना है, तो आपको मैंने तरीका बता दिया, वो वीडियो में आप देख लेना। BGT अर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाला टाइम में BGT को इंपॉर्टेंट मिलेगा, जो कि यहाँ पर मैंने बता दिया। अब यहाँ पर आपको स्विच टू हनी पे टैप करके आपको काम करना है, फिर वहाँ पर डैशबोर्ड में आके यहाँ पे WBTC में डिपॉजिट करके करना है, बाद में विड्रॉल कर लेना, और हनी में भी डिपॉजिट कर लेना है, सप्लाई कर देना। फिर आपको यहाँ पे आकर आपको ट्रेड कर लेना, जो कि आपको लॉन्ग शॉर्ट ले लेना, बस इतना ही काम करना है, ये सारा चीज़ कर लेना। और इस मेहनत के लिए आपको एक लाइक वीडियो लाइक करना जरूरी, और कमेंट भी जरूर करना, क्योंकि वीडियो इतने मतलब टेम्परेचर के गर्मी में मैंने लाइट पंखा सारा बंद करके आपको लिए ये वीडियो बनाया, जो कि मैं पसीना पुसीना पूरा नहा लिया हूँ। तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करना, कोई भी दिक्कत हो पूछ लेना, डायरेक्टली पूछना, मैं आपको बता दूंगा। और नहीं समझ में आए वीडियो को लाइक करना, पर ग्रांटेड आप जरूर कर लेना, और फंड अपना विड्रॉ कर लेना ETH। बाद में नहीं कहोगे कि भैया आपने ये बताया, जो कि इन्वेस्टमेंट था, इन्वेस्टमेंट नहीं है, 0 रुपया है, ठीक है।